फ्रॉम वेलकम टू एंट्री गाइस, आईडीबीआई हैज अनाउंस असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट यस्टरडे। देयर आर 650 प्लस वैकेंसीज, दैट मींस गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द बैंकिंग एस्पिरेंट, बट देयर आर सो मेनी इफ्स एंड बट्स अमंग स्टूडेंट माइंड्स एंड एवरीवन वांट्स टू नो कि सर शुड वी गो विद आईडीबीआई एज एन असिस्टेंट मैनेजर और नॉट। सो गाइज, यू ऑल नो दैट कि मैंने एक वीडियो करा था आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव पर भी कि वॉट आर द फाइव विजन टू गो विद आईडीबीआई एज एन एग्जीक्यूटिव पोस्ट। सो गाइज, इन द सेम वे विल बी ऑल्सो डूइंग अ वीडियो जहां मैं आपको बताऊंगा कि भाई व्हाट आर दी फाइव रीजन टू चूज आईडीबीआई एज एन असिस्टेंट मैनेजर। सो गाइस, इन दिस वीडियो विल बी डिस्कसिंग फाइव बिग रीजन कि व्हाई टू चूज आईडीबीआई एज एन असिस्टेंट मैनेजर। सो गाइस, वीडियो शुरू करते हैं बिकॉज दिस वीडियो विल एनकरेज यू फॉर द आईडीबीआई एज एन असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं पहले रीजन की। सो अमंग फाइव रीजन, व्हाट इज द फर्स्ट रीजन गाइस? सो फर्स्ट रीजन गाइस, हैंडसम सैलरी। सो गाइस, if we are jobless, then we are very, you know, eagerly wait for a vacancy where we can get a very good amount of salary. So guys, if we talk about the salary, so 36,000 is a basic pay as per the notification, and yeah, very good amount of allowances you will be getting under that. So agar main overall gross salary ki baat karun, so 64,000 is the gross salary in the IDBI assistant manager guys, and this is a very good salary guys. बहुत अच्छी सैलरी है, मतलब जो कोई जॉब लेस है उससे पूछ के देखो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस सैलरी। द सेकंड वन इज गाइस, द सेकंड थिंग इज, द सेकंड बिग रीजन इज जॉब सिक्योरिटी। गाइस, इफ यू टॉक अबाउट द आईडीबीआई एज एन एग्जीक्यूटिव, सो दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब एज फार एज आईडीबीआई असिस्टेंट मैनेजर इज कंसर्न। सो गाइस, दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब। यहां पर क्या है, कोई आपको ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं भरना पड़ेगा। हाँ, सर्विस बॉन्ड जरूर है, आईडीबीआई वॉन्ट्स यू टू सर्व एटलीस्ट 3 years फॉर द बैंक, लेकिन ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब नहीं है, ठीक है। ये एक परमानेंट जॉब है और एक रेप्यूटेड जॉब है ग्रेड ए की, ठीक है। तो ये आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। तो दीज आर द टू रीजन्स। बात करें थर्ड रीजन की, जो बहुत ज़्यादा निकल कर आ रहा है कि वर्किंग इन आई डी बी आई इज कम्प्लीटली प्राइवेट। गाइस, या आई एग्री कि आई डी बी आई इज एन प्राइवेट सेक्टर बैंक, बट गाइज ऑल द फैसिलिटी यू विल बी गेटिंग इज ऑफ गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर बैंक। कैसे दोस्तों, अब मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है और मैंने पहले भी बताया अपनी आई डी बी आई एग्जीक्यूटिव वाली वीडियो में कि आई डी बी आई बैंक इज क्लासिफाइड एज अ प्राइवेट सेक्टर बैंक बाई द आर बी आई, ठीक है, विद द गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग। ध्यान से सुनिएगा, इन दिस बैंक द गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग इज 45.5%, वेयर एज द एल आई सी शेयर होल्डिंग इज 49.24%। LIC शेयर होल्डिंग इज 49.24% एंड द रेस्ट ऑफ द शेयर होल्डिंग इज फॉर नॉन प्रमोटर शेयर होल्डिंग। सो गाइस, दिस इज अ प्राइवेट सेक्टर बैंक, बट ऑल द फैसिलिटी यू विल बी गेटिंग इज ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। द थर्ड रीजन इज गाइस, असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर इज अ ग्रेड ए पोस्ट, नॉट अ क्लर्क और नॉट अ पियोन पोस्ट। असिस्टेंट मैनेजर इज अ पोस्ट स्टूडेंट्स ईगरली वेट फॉर। कोई भी स्टूडेंट होता है वो बहुत तत्परता से इसका वेट करता है कि भाई कब असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट आएगी, बिकॉज असिस्टेंट मैनेजर इज व्हाट इज अ ग्रेट ए पोस्ट, इज अ रेप्यूटेड और स्टैंडर्ड पोस्ट इन अ बैंक, इन अ पर्टिकुलर बैंक। एंड गाइस, आईडीबीआई इज ऑफरिंग यू अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी थ्रू दिस नोटिफिकेशन। लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ वन। सो गाइस, फोर्थ वन इज व्हाट गाइस, यू विल गेट द पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एंड द कॉस्ट ऑफ इट यू विल अवेल ऑन योर ओन। मतलब अगर आपको कोई पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करना है, सो ऑब्वियसली बात है, इफ यू आर जॉबलेस देन यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ योर फैमिली और एनी फैमिली पर्सन। बट गाइस, हियर बैंक ही आपको क्या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कराएगा, प्रोग्राम फी भी जो है, जो भी इसकी प्रोग्राम फी है, फॉर एग्जाम्पल 3.5 लाख प्लस GST है। सो बैंक विल प्रोवाइड यू द लोन सो दैट यू कैन बियर दैट फी ऑफ प्रोग्राम। सो गाइज, आप जिससे कि उस प्रोग्राम की फी को बियर कर पाएं, बैंक आपको लोन प्रोवाइड करेगा। एंड गाइज, आई नो वेरियस स्टूडेंट जिन्होंने अपना लोन लेकर पढ़ाई की है ना, और उन्होंने अपना लोन फिर टाइम से चुका भी दिया है। बात करें लास्ट रीजन की कि दोस्तों, आपको पता है कि वैकेंसीज आर गोइंग डाउन डे ईयर बाई ईयर इन द बैंकिंग सेक्टर। अब आप SBI क्लर्क का एग्जाम्पल उठा के देख लीजिए। लास्ट ईयर वी सॉ इन SBI क्लर्क अराउंड 7,500 प्लस वैकेंसीज और 8,000 वैकेंसीज, बट दिस ईयर वी सॉ 5,000 अराउंड वैकेंसीज।
सो गाइस ईयर बाय ईयर वी व्हाट वी आर एनालाइजिंग कि वैकेंसीज इन द बैंकिंग सेक्टर इज बीइंग डिक्रीज. सो गाइस इफ यू हैव अ सिंगल अपॉर्चुनिटी वेदर इन टर्म्स ऑफ IDBI और इन टर्म्स ऑफ यू नो RRB और कोई भी बैंकिंग एग्जाम है, सो गाइस आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी वो समझनी है. बिकॉज इन दिस एरा, इन दिस कोविड सिचुएशन, आपको कोई वैकेंसी निकाल कर दे रहा है बैंक, सो गाइस दिस इज अ वेरी गुड थिंग. और आपने बहुत सारी वीडियो में देखा भी होगा, मैंने आपसे पहले दो वीडियो बना दी हैं जहाँ मैंने बताया कि गाइस IDBI इज अ बैंक विच इज शोइंग प्रॉफिट क्वार्टरली बाई क्वार्टर. मतलब वो क्या है, प्रॉफिट शो कर रहा है, एक अच्छा प्रॉफिट हो रहा है बैंक को क्वार्टर बाई क्वार्टर. सो बैंक के बंद होने का सवाल नहीं होता, बैंक का बहुत अच्छा फ्यूचर है. और असिस्टेंट मैनेजर इज अ वेरी गुड पोस्ट गाइस. सो दीज आर द गाइस फाइव रीजन दैट आई वॉन्टेड टू टेल यू कि वाई टू चूज IDBI एज एन असिस्टेंट मैनेजर. नेवरदीलेस इफ यू हैव एनी क्वेरी इन योर माइंड देन गाइस प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स. आई विल डेफिनेटली रिप्लाई और आई विल डेफिनेटली कम विद द वीडियो ऑन योर कमेंट. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर दैट इज 9927505959. और अगर आप IDBI या किसी और भी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो आप एंट्री गोल्ड बैंकिंग के साथ तैयारी कर सकते हैं, जहां आपको लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज मेंटरशिप प्रोवाइड किया जाता है, डाउट क्लासेस, व्हाट्सएप ग्रुप, PDF मटेरियल और भी बहुत कुछ. और उसके लिए आपको एक सिंगल गूगल फॉर्म भरना पड़ेगा जो कि आपका लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन फील्ड में मिल जाएगा. और फ्री लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी आपको, ट्रायल क्लासेस, फ्री ट्रायल लाइव क्लासेस. सो गाइस दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल इन दिस वीडियो. आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा ऑल दी क्वेरीज, ऑल दी इफ्स एंड बट्स रिगार्डिंग IDBI असिस्टेंट मैनेजर्स आर सॉल्व नाउ. सो गाइस डोंट वरी, गो विद दिस पोस्ट. थैंक यू वेरी मच. दिस इज आकाश शुक्ला साइनिंग ऑफ.